لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاسن الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہمارے پریے متروں اور ساتھیوں، آج کے اس سبھا میں میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام کی سندرتا تتھا وشیشتا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ تمام متروں سے، سبھی متروں سے یہ انرودھ ہے کہ میری ہر ہر بات، بلکہ ہر ہر بات کا ہر ہر اکشر اور شبد بہت ہی دھیان پوروک سنیں گے اور وچار کریں گے. اسلام دھرم کی وشیشتائیں تتھا سندرتا اسنکھ ہیں، کیونکہ اسلام دھرم ہی یہ ایشوریہ دھرم ہے، اللہ کا پسند کیا ہوا دھرم ہے، اور اسلام دھرم کہ سارے دستور، ساری ودھیاں، نیم یہ اس اللہ تعالیٰ کی اور سے اوتارت کیا گیا ہے، جو اپنی سمست رچناؤں کے بارے میں سمپورن گیان اور مکمل علم رکھتا ہے، باخبر ہے. اسلام دھرم کی وشیشتاؤں کو بتلانے یا گنانے کے لیے یہ 10 منٹ کا سمے کافی نہیں ہوگا، اور صحیح روپ سے، صحیح پرکار سے اسلام دھرم کی سندرتا تتھا وشیشتائیں سمپورن روپ سے وہی جان پائے گا جو اسلام دھرم کو پڑھے گا، سمجھے گا اور دھیان دے گا. اسلام دھرم پورا کا پورا یہ سندرتا کا دھرم ہے، پرکرتی کا دھرم ہے، دین فطرت ہے، اور ایشوریہ دھرم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوتارت کیا ہوا اور پسند کیا ہوا دھرم ہے. اسلام دھرم یہ چھما، آسانی اور سرلتا کا دھرم ہے. اسلام دھرم یہ نیائے کا دھرم ہے، پریم کا دھرم ہے، اور سمانتا تتھا برابری کا دھرم ہے. اسلام دھرم پریم اور محبت کا دھرم ہے، بندھتا کا دھرم ہے، بھائی چارگی کا دھرم ہے. اس دھرم میں علم، گیان پراپت کرنے اور عمل کرنے کا آدیش دیا گیا ہے، یہ علم اور عمل کا دھرم ہے. اسلام دھرم ہی ماتر وہ اکیلا دھرم ہے جو سیدھے مارگ کا مارگ درشن کرتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام دھرم یہ سمپورن، مکمل اور زندگی تتھا جیون کے
हर चीज को सम्मिलित और शामिल धर्म है। दीन इस्लाम ये वफादारी का धर्म है, दीन इस्लाम ये सच्चाई का धर्म है, अमानत का धर्म है, दीन इस्लाम इज्जत शक्त और ताकत का धर्म है, दीन इस्लाम का आधार के आधार में से सबसे उच्चतम और महत्वपूर्ण आधार तौहीद तथा एकेश्वरवाद है। दीन इस्लाम की प्राण और जान निस्वार्थता तथा इखलास है। दीन इस्लाम का चिन्ह क्षमा अपेक्षा और बंधुत्व है, भाईचारगी और एक दूसरे को माफ़ करना, ये दीन इस्लाम का चिन्ह है। दीन इस्लाम इस्लाम धर्म ये प्रकृति का धर्म और दीन फितरत है। इस्लाम धर्म ये जीवन बिताने के लिए अपने साथ दूसरों के साथ अल्लाह की पैदा की हुई समस्त रचनाओं के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को इस्लाम धर्म में खोल खोल करके बयान कर दिया गया है। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म का ज्ञान जिस पुस्तक से हो सकता है वो शुभ कुरान है, जो अल्लाह ताला का कथन और अल्लाह ताला का कलाम है। अगर कोई भी मनुष्य इस्लाम धर्म को समझना चाहे और उससे लाभ उठाना चाहे तो शुभ कुरान जो कि अरबी भाषा में अवतारित हुआ है और जिस प्रकार अवतारित हुआ था सेम टू सेम आज भी मौजूद है और परले के दिन तक मौजूद रहेगा, बल्कि सदैव मौजूद रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। उसे सीखे, उसे पढ़े और उसे समझे। इस्लाम धर्म की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं। हम कुछ को आपके सामने रख रहे हैं यह अनुरोध करते हुए कि प्रिय मित्रों ध्यान दें, सोचें और विचार करें। सर्वप्रथम इसे इस्लाम की विशेषताओं में से पहली विशेषता यह है कि इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद का धर्म है, जिसको अरबी भाषा में तौहीद कहा जाता है। इस्लाम धर्म में मात्र उस एक अल्लाह की पूजा तथा उपासना और इबादत करने का आदेश दिया गया है जो हमारा और आपका प्रतिपालक, पालनहार, सृजनहार, शिष्टाचार है। उसकी उपासना में किसी और को भागीदार बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और न गुंजाइश है। इस्लाम धर्म में अल्लाह के अतिरिक्त किसी रचना की पूजा या उपासना करने को वर्जित किया गया है, बल्कि ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। तो इस्लाम धर्म की सबसे मूल या बहुमूल विशेषता ये है कि इस्लाम धर्म ये तौहीद एकेश्वरवाद का धर्म है। इस्लाम धर्म में दो चार दस भगवान या ईश्वर नहीं हैं। इस्लाम धर्म में एक अल्लाह है जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी शक्ति हर एक देख रहा है, जो आकाश में है और अपनी समस्त रचनाओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता है। यह इस्लाम धर्म की पहली विशेषता है। इस्लाम धर्म में जिस चीज का आदेश दिया गया है उन्हीं चीजों में से सबसे अधिक इस्लाम धर्म में धर्म, प्राण,
बुद्धि, धन, वंश और सम्मान, आदर मर्यादा की हिफाजत का, रक्षा का आदेश दिया गया है। इसीलिए अगर कोई मनुष्य इस्लाम धर्म संतुष्ट होकर स्वीकार करने के बाद उसे छोड़ दे या कोई ऐसा कार्य कर डाले जिसके करने के कारण वो इस्लाम धर्म से बाहर हो जाएगा, तो उसे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई मुर्तद हो जाए तो उसे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम के नियम अनुसार उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। इस्लाम धर्म में धर्म की रक्षा का आदेश दिया गया है और धर्म की रक्षा के समस्त प्रबंध अल्लाह ताला ने इस्लाम धर्म में अवतारित कर दिया है। इस्लाम धर्म में नफ्स की हिफाजत का, प्राण की रक्षा का ख्याल रखा गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में प्राण, जान, नफ्स की क्या महत्व है। अल्लाह ताला ने इस्लाम धर्म के अंदर हत्या को, हिंसा को, कत्लो गारतगरी को वर्जित तथा हराम करार दिया है। किसी मनुष्य के लिए ये उचित नहीं है कि किसी का भी नाहक बिलाहक हत्या करे या हिंसा करे या उपद्रव करे या कत्लो गारतगरी और कत्लो खुरेजी का बाजार गर्म करे, क्योंकि इस्लाम धर्म में नफ्स की रक्षा किया गया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शुभ कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 93 के अंदर बयान फरमाया है, वमा यक्तुल मुमिना मुतअम्मिदन فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, कि अगर कोई भी किसी ईमानदार आदमी को जानबूझकर कत्ल कर दे, उसकी हत्या कर दे, तो उसका फल नरक है जिसमें वो सदैव रहेगा, साथ ही साथ उस पर अल्लाह का गज़ब होगा और अल्लाह की उस पर लानत हो। ऐसे मनुष्य के लिए जो किसी ईमान वाले आदमी का नाहक हत्या कर दे, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म में नाहक किसी का हत्या करना ये बड़े पापों में से एक पाप है, बल्कि ये हलाक कर देने वाली चीज़ों में से है, बर्बाद कर देने वाली चीज़ों में से है। अंतिम संदेश था, आदरणीय जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 7 चीज़ों से बचो जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, और उन्हीं 7 चीज़ों में से एक चीज़ बतलाया कि वक़तलुन नफ्स लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, किसी का नाहक हत्या कर देना, किसी का नाहक कत्ल कर देना। तो इस्लाम धर्म में ये नफ्स की, जान की, प्राण की रक्षा किया गया है। इसीलिए आप जानते होंगे इस्लाम धर्म के नियमों में से एक नियम ये भी है कि अगर कोई भी मनुष्य किसी ईमान वाले आदमी की हत्या कर दे, कत्ल कर दे, तो बदले में उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा, बदले में उसे भी कत्ल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 178 के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उंथा बिल उंथा, हे ईमान वालो, ऐ ईमानदार लोगो, तुम पर हत्या किए गए वक्त व्यक्त का बदला लेना अनिवार्य है। तुम पर हत्या किए गए व्यक्ति का बदला लेना अनिवार्य है, आज़ाद आज़ाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले और नारी नारी के बदले। यानी अगर कोई किसी भी ईमान वाले की हत्या कर दे तो उसका भी हत्या कर दिया जाएगा जो हाकमे वक्त करेगा।
तो इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से एक महान विशेषता यह है कि इस्लाम धर्म में जान प्राण और नफ्स की रक्षा किया गया है। इस्लाम धर्म में बुद्धि का बड़ा ध्यान दिया गया है, बुद्धि अकल का बड़ा ध्यान दिया गया है, इसीलिए हर उन चीज़ों को हराम तथा वर्जित किया गया है जिनके प्रयोग करने से, खाने पीने से बुद्धि में कमी आ जाए या बुद्धि समाप्त हो जाए। और यह मात्र इस्लाम धर्म में है मेरे प्रिय मित्रों। बुद्धि यह बहुत महान चीज़ है ना, इसी बुद्धि द्वारा हम मनुष्य कहे जाते हैं, हम पशु नहीं कहे जाते हैं। और यही बुद्धि अगर शरीर में से समाप्त हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो हम मनुष्य नहीं रह जाएंगे, बेवकूफ और मूर्ख माने जाएंगे। तो इस्लाम धर्म में बुद्धि का बड़ा ध्यान दिया गया है, बुद्धि की रक्षा की गई है, उन सारी चीज़ों को वर्जित तथा हराम किया गया है जिनसे इंसान की अकल मार दी जाए या इंसान की बुद्धि समाप्त हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर उन चीज़ों को हराम कर दिया है, वर्जित कर दिया है, जिससे बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए, जिससे बुद्धि में नशा आ जाए, चाहे वो दारू हो, मदिरा हो, अफीम हो, भांग हो, कोई भी चीज़ जिससे बुद्धि डिस्टर्ब हो जाए, उसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है, वर्जित करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने सुब कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। हे ईमान वालो, अल्लाह ताला ईमान वालों को संबोधित करके कहता है, हे ईमान वालो, निःसंदेह मदिरा यानी शराब, जुआ, पासे और मूर्तियों के स्थान पे चढ़ाए हुई चीज़ें, ये नापाक चीज़ हैं, गंदी चीज़ हैं, और ये शैतान का कार्य और काम है, इससे तुम बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने विशेष रूप से मदिरा को, शराब को, भांग को, चर्स को, अफीम को या उन चीज़ों को वर्जित किया, हराम किया है जिससे बुद्धि खराब हो जाए। प्रिय मित्रों, साथियों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम धर्म ने किस प्रकार बुद्धि की रक्षा का प्रबंध किया है। क्योंकि जब कोई मनुष्य दारू पी लेता है या नशे आवर चीज़ खा लेता है, तो एक तो उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, दूसरी बात वो क्या कर डाले, किसके साथ क्या कर डाले, इसका कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए अंतिम संदेष्टा ने सारी गंदी, सारी बुराइयों की जड़ कहा है मदिरा और शराब को, शराब और दारू को सारी चीज़ों की जड़ करार दिया है कि सारी बुराइयों की जड़ ये मदिरा है, दारू है और भंग और शराब है। प्रिय मित्रों और साथियों, इस्लाम धर्म में धन की रक्षा पर ध्यान दिया गया है। धन, इंसान को धर्म की आवश्यकता है, इंसान को सही रूप से जीवन बिताने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, इंसान को सही रूप से जीवन बिताने के लिए धन की आवश्यकता है। इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के नियम अनुसार धन कमाने का आज्ञा दिया गया है। वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया में जो तुम्हारा अल्लाह ताला ने हिस्सा मुतय्यन किया है उसको तुम ना भूलो। और धन की रक्षा का प्रबंध किया है, इसीलिए अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में सूद ब्याज को वर्जित किया है, चोरी और डकैती को वर्जित किया है, किसी के धन को गलत तरीके से लूट लेने को वर्जित करार दिया है। बल्कि बड़े गुनाहों में से ये, बड़े पापों में से एक पाप है। इस्लाम धर्म का धन के विषय में एक नियम आप जानते होंगे या आप जान लें
कि इस्लाम धर्म में उस मनुष्य के हाथ काटने का आज्ञा दिया गया है जो किसी का धन चोरी कर ले, लूट ले। अल्लाह ताला ने सूरह मायदा की आयत नंबर 38 के अंदर बयान फरमाया, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा जज़ाअ बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। चोर और चोरनी, चाहे मर्द चोरी करे या महिला चोरी करे, स्त्री चोरी करे, तो उन दोनों के हाथ काट दो, उनके करतूत के दंड के बदले, उनके करतूत के बदले और दंड के तौर पर, क्योंकि उसने किसी का माल काट लिया है तो उसके हाथ को काट दो। ये अल्लाह ताला ने आदेश दिया है। अब आप देखिए, चोर के हाथ काटने का क्यों आदेश दिया गया है? आप कहते होंगे ये कठोरता है। नहीं, जब सारे लोगों के सामने किसी चोर का हाथ काटा गया तो जिसके मन में भी चोरी का प्लान होगा वो इससे डर करके चोरी करना बंद कर देगा। अब और जब समाज में चोरी और डकैती बंद हो जाएगी तो लोगों का माल सुरक्षित रहेगा कि नहीं सुरक्षित रहेगा? इसी प्रकार इस्लाम में सूद को, ब्याज को वर्जित किया गया है, क्योंकि ब्याज में एक धनी गरीब का रक्त चूसता है, खून चूसता है। प्रिय मित्रों, इस्लाम की विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि इस्लाम में नसब, जिसको हिंदी भाषा में वंश कहा जाता है, इसकी रक्षा का ध्यान दिया गया है कि एक मनुष्य का नसब और वंश कैसे सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग ना हो। इसीलिए इस्लाम में जना, जिसको बलात्कारी कहा जाता है, दुष्ट कर्म कहा जाता है, इसको वर्जित किया गया। सिर्फ जना ही नहीं, दुष्ट कर्म ही नहीं, बलात्कार ही नहीं, बल्कि हर उन चीज़ों के इसको वर्जित किया गया है जिन चीज़ों के अपनाने से एक आदमी किसी महिला की आदर मर्यादा पर हमले कर सकता है। जना को वर्जित किया गया, हराम किया गया, और जना के सारे संबंधों को, या जिन चीज़ों से भी इंसान और मनुष्य के हृदय में जना और बलात्कारी दुष्कर्म करने का उसकी सोच पैदा हो सकती है, उन सारी चीज़ों के प्रयोग करने को, सुनने को, देखने को इस्लाम ने हराम करार दिया है। क्योंकि जब किसी समाज में जनाकारी आम हो जाएगी तो हसबो नसब और वंश बाकी नहीं रहेगा, कोई नहीं जान पाएगा फला बच्चे का, फला पुत्री का, फला पुत्र का, फला लड़के का पिता कौन है, कोई नहीं जान पाएगा। और साथ ही साथ इसमें औरत की, महिला की आदर और मर्यादा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, औरत खिलौना बनकर के समाज के अंदर रहेगी, जो चाहेगा जब चाहेगा उसकी इज्जत आदर और मर्यादा से होली खेलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है शुभ कुरान की आयत नंबर 32 के अंदर, विशेष रूप से इस आयत को पुरुषों के अतिरिक्त महिलाओं को, स्त्रियों को इस आयत पर ध्यान देना चाहिए कि महिला को, स्त्री को इस्लाम धर्म ने क्या सम्मान दिया है, क्या आदर दिया है, उसके मर्यादा को किस तरह सुरक्षित रखने का मर्दों को आदेश दिया है। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म में महिला को और पुरुष को किसी ऐसे आदमी या ऐसी औरत पर निगाह उठाने को मना किया है जिससे उसका विवाह उचित और जायज है। निगाह भी हम नहीं उठा सकते। आप देखें, अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में बयान फरमाया, वला तकरबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशा वसाअ सबीला, जना के, दुष्कर्म के, बलात्कारी के करीब भी ना जाओ, करीब भी ना जाओ, करने को कौन कहे, उसके करीब भी ना जाओ, क्योंकि ये बेहयाई है और बहुत बुरा मार्ग है।
जब इस्लाम धर्म में जनाकारी के करीब जाने से मना किया है तो आप करने का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए इस्लाम धर्म में है कि जब कोई जना कर ले, बलात्कारी कर ले, तो उसको कोड़े मारो अगर वो विवाहिक नहीं है, और अगर विवाहिक है तो उसको कत्ल कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया अज़ानियत वज़ानी फजलदू कुल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, कि जानी मर्द हो, जना करने वाला मर्द हो या जनाकार औरत हो, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ सारे लोगों के सामने, और ये कोड़े लगाने में तुम्हारे दिल में नरमी नहीं आनी चाहिए, और अगर वो विवाहिक है तो उसकी गर्दन मार दो, क्योंकि उसने किसी महिला की इज्जत और मर्यादा को मार दिया, लूट लिया। तो प्रिय मित्रों, ये इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से एक महान विशेषता है। इस्लाम धर्म में इज्जत की रक्षा का प्रबंध किया गया है। इज्जत सबसे बड़ी प्यारी है, हर मनुष्य को, हर बुद्धिमान मनुष्य को इज्जत प्यारी है। प्रिय मित्रों, इज्जत नहीं है, आदर और मर्यादा समाज में नहीं है, घर में नहीं है, तो वो समझो एक मृतक मनुष्य है, मृतक व्यक्ति है, वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए इस्लाम धर्म में किसी भी पाक दामन ईमानदार महिला पर जना की तोहमत लगाने को बड़ा पाप कहा गया है, बड़ा गुनाह किया गया है, और उससे मना किया गया है। और अल्लाह ताला ने परले के दिन उन्हें कठोर प्रकोप तथा सजा और अजाब देने का वादा फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात अलगाफिलात अलमुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, जो लोग पाक दामन इन सारी चीज़ों से लापरवाह ईमानदार औरतों पर बलात्कारी की तोहमत लगाते हैं तो उनके ऊपर दुनिया में भी लानत है और मरने के बाद भी लानत है, और क़ियामत के दिन उनके लिए दर्दनाक अजाब और बड़ा अजाब होगा। तो प्रिय मित्रों, ये इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से महान विशेषता है। इसी प्रकार देखिए, इस्लाम धर्म में जहाँ बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, उन्हीं चीज़ों में एक चीज़ और है कि इस्लाम धर्म ने औरत को उस बेइज्जती से निकालकर सम्मान की डगर पर चला दिया है। आप जानते हैं कि अंतिम संदेशता के आने से पहले बच्ची को जीवित दफन कर दिया जाता था, एक पिता ले जाता था उसकी कब्र और समाधि खोद करके उसे जीवित दफन कर दिया देता था, लेकिन इस्लाम धर्म जब आया तो उसने महिलाओं पर अत्याचार, बच्चियों पर अत्याचार करने से को मना किया, और बच्चियों को भी, सपुत्रियों को भी पिता के धन में वारिस ठहराया। प्रिय मित्रों, और उनको एक हक दिया। इस्लाम धर्म के आने से पहले औरतें खरीदी और बेची जाती थी, लेकिन निकाह द्वारा इस्लाम धर्म ने महिलाओं की आदर और मर्यादा की, इज्जत की। इस्लाम धर्म ये पवित्रता का धर्म है, सफाई का धर्म है, इसके अंदर प्राण, रूह और बदन की सफाई का आदेश दिया गया है। इस्लाम धर्म में किसी मनुष्य पर या किसी हैवान पर या किसी पौधे पर नाहक अत्याचार को मना किया गया है। इस्लाम धर्म में हर उन चीज़ों को वर्जित किया गया है, मना किया गया है जिससे मनुष्य का शरीर रोगी हो जाए या उसकी बुद्धि समाप्त हो जाए। इस्लाम धर्म में निर्धनों का विशेष ध्यान दिया गया है, इसीलिए इस्लाम धर्म में ज़कात अनिवार्य किया गया है। इस्लाम धर्म में एक ऐसी चीज़ का आदेश दिया गया है, बल्कि इस्लाम धर्म के आधार में से दूसरा आधार है जिससे बंदे का अल्लाह से सदैव संबंध और ताल्लुक रहता है, और वो है पांच समय की नमाज, पांच समय की नमाज। इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म ये प्रकृति का धर्म है, इत्मीनान का धर्म है, संतोषता का धर्म है, और बहुत सारी विशेषता। प्रिय मित्रों, लास्ट में हम एक शब्द कहेंगे, किसी धर्म के सत्य या असत्य के बारे में पता लगाने के लिए
ये आवश्यक तथा जरूरी है कि उसके सिद्धांतों पर मन चिंतन किया जाए, उसके आधारों पर ध्यान दिया जाए। आप अगर इस्लाम के सिद्धांतों पर, इस्लाम के आधारों पर, इस्लाम के नियमों पर, इस्लाम के दस्तूर पर, इस्लाम के कानून पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक जब मन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से यह पता चलेगा कि इस्लाम धर्म ही वो धर्म है मनुष्य को, खानदान को, समाज को, देश को और सारे मनुष्यों को, सारे हैवानों को, सारे पेड़ पौधों को हर प्रकार की रक्षा और हर प्रकार की शुभेच्छा उसी इस्लाम धर्म के अंदर मौजूद है। इस्लाम धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है जिसके पर चल करके कोई अपने सत्य जन्मदाता को जान सके, अपने सत्य जन्मदाता की इच्छा को जान सके और अपनी जीवन के उद्देश्य को जान सके। तो प्रिय मित्रों, हम लास्ट में यही कहेंगे कि आप इस्लाम धर्म के सुंदरताओं और विशेषताओं पर ध्यान दें और स्पष्ट रूप से आप इसका पता लगाएं कि सत्य क्या असत्य है। और इस्लाम धर्म ही सत्य है, इसलिए आप इस्लाम धर्म को पढ़ें, समझें, इस्लाम धर्म पर मन चिंतन करें और आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि इस्लाम धर्म ही मात्र वो अकेला धर्म है। इस बात पर आप विश्वास कर लें, इस बात पर आप विश्वास करें करे प्रिय मित्रों कि इस्लाम धर्म ही मात्र वो धर्म है जो ईश्वरीय धर्म है, जिसको अपनाने से, जिसका पालन करने से, जिसको स्वीकार करने से ही एक मनुष्य संसार में सुरक्षित जीवन बिता सकता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानेगा, जो इस्लाम धर्म को नकारेगा या इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद उसके आज्ञा अनुसार वो जीवन नहीं बिताएगा, जिंदगी नहीं बिताएगा, वो ना दुनिया में शांति का जीवन पा सकता है, ना सौभाग्य पा सकता है और ना मृत्यु के बाद वो स्वर्ग पा सकता है। वो नर्क में डाला जाएगा और किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए नर्क पसंद नहीं है। आप प्रिय मित्रों, इस्लाम के सिद्धांतों में से सिर्फ एक सिद्धांत पर मन चिंतन करो कि इस्लाम धर्म में अल्लाह की पूजा, अल्लाह की उपासना का आदेश दिया गया है जो सारे लोगों का पैदा करने वाला है। हमारे प्रकार किसी मूर्ति का, किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति का, किसी चीज के उपासना का आदेश नहीं दिया गया है। हम अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सत्य अल्लाह, तो हम सबको अपना उतारा हुआ धर्म सिखा दे, पढ़ा दे और उसे स्वीकार करने का की तौफीक और अवसर दे और इस्लाम धर्म के अनुसार पूरी ज़िंदगी जीवित रख और जब हम मरें तो इस्लाम धर्म पे मरें। आमीन। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।